तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल वेइंग स्केल इलेक्ट्रॉनिक कांटा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। हम जैसे ही यहाँ पे इसका जो बटन होता है नीचे का ऑन ऑफ का, इसको जब हम ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको कोई भी लाइट ये शो नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर यहाँ शो नहीं कर रहा है, जबकि हमने इसमें ऑलरेडी यहाँ पे पावर जो है यहाँ पर दी गई है, इसमें लाइट कोई जल नहीं रही है, कुछ भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब नो पावर ऑन है। तो फ्रेंड्स इसको चलिए हम उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करने के बाद फ्रेंड्स इसके पीछे यहाँ पर चार स्क्रू जो दिए होते हैं उनको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसका जो बैक का कवर है हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, और इसको थोड़ा केयरफुली हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करके यहाँ पर रख देते हैं, बिकॉज इसमें वायरिंग हो रखी है, कोई वायर यहाँ पर टूट ना जाए। और साथ में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक मल्टीमीटर ले लिया टेस्टिंग के लिए, और अब भी फ्रेंड्स ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम जो पहले आती है वो इसका जो ऑन ऑफ बटन होता है उससे आती है। तो पहले फ्रेंड्स हम इसको चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस मोड पर, और मल्टीमीटर की प्रॉब एक बार शॉर्ट करके देख लेते हैं, तो बिल्कुल ओके दिखा रहा है मल्टीमीटर। और चलिए फ्रेंड्स अब हम लगाते हैं इसके बटन पर के बटन को, आप देख रहे हैं यहाँ पर बटन जो है बिल्कुल ओके है। तो सेकंड फ्रेंड हम चेक करेंगे यहाँ पर इसकी बैटरी की, कि इसमें फ्रेंड्स कितनी वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है, बिकॉज बैटरी जो यहाँ पर 4 वोल्ट की है, तो नियर अबाउट 3 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट यहाँ पर होनी चाहिए तभी ये ऑन होगा। तो अभी फ्रेंड इसकी देखिए वोल्टेज पर सेट करके मल्टीमीटर को चेक करते हैं, तो 1.97 अप्रोक्स यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि फ्रेंड्स वोल्टेज बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम है, और इतनी वोल्टेज पर कांटा जो हमारा ये ऑन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है बैटरी भी हमारी, इसका मतलब है डिस्चार्ज हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है मतलब कि या तो उसको चार्जिंग जो है वहाँ पर नहीं मिला है, तो चार्जिंग नहीं मिला है तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की तरफ से कोई सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही हो, जिसकी वजह से इसमें चार्जिंग यहाँ पर बैटरी में नहीं हुआ हो, या बैटरी भी यहाँ पर खराब हो सकती है। तो कोई नहीं, पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे अपने जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर है उसको। तो फ्रेंड उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसके ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी जो वाइंडिंग है उस पर टेप लगा हुआ, उसको निकाल लेते हैं, और उस पर फ्रेंड्स कंटिन्यूस मोड पर चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग ओके, अगर कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाता तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम थी। दोबारा से फ्रेंड्स इसको यहाँ पे टेप लगा देते हैं, और टेप लगाने के बाद फ्रेंड्स इस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, जिसके की फ्रेंड्स वायर यहाँ पे गए हुए हैं, जो कि इसका जो बोर्ड है सर्किट बोर्ड उसके अंदर, तो उसके जो दोनों सिरे हैं उस पर मैं यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रॉब लगा करके चेक करता हूं। तो आप देख रहे हैं यहां पर बीप दे रहा है, और वैल्यू जो है 11 समथिंग दिखा रहा है, इसका मतलब है इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग ये भी ओके है। उसके अपडेट हो सकता है कि सर्किट बोर्ड हम इसको बाद में चेक करेंगे, तो पहले हम यहां पर इससे पहले एक बार यहां पे जो अपनी पावर कोड उसको भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज हो सकता है यहां से पावर नहीं आ रही हो। तो अभी देखिए मैं जो ट्रांसफॉर्मर पे प्राइमरी वाइंडिंग पे जो यहां पर वायर आए हुए हैं उनको मैं 1 बाय 1 यहां पे चेक करता हूं। तो देखिए ये तो हो रहा है, इसको घूम करके जो वोल्टेज आ रही है वो है अभी डायरेक्टली, तो आप देख सकते हैं एक यहां पर जो है ये वायर जो है ओके है, और सेकेंड वाले पर देखिए कुछ आ रहा है, बट लेकिन सेकेंड वाले को हम चेक करते हैं, तो आप देख रहे हैं सेकेंड वाले पे कोई यहाँ पे बीप नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जो वायर है इसको मैं एक बार देखता हूँ कहीं कोई बीच में कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं हुई है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको केयरफुली देखा है, तो यहाँ पर कुछ मेरे को ये वायर जो है थोड़ी सी फूली हुई और फटी हुई मेरे को यहाँ पर दिखी है, तो मे बी शायद यहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है। और हाँ बिल्कुल देखिए वायर जो यहाँ से मेरे को टूटी हुई मिल गई है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट मैं इसको इस टाइप से एक वायर छोटी लेकर के पैच लगा देता हूँ, और इसको प्रॉपर तरीके से इस पर जो पीवीसी टेप होती है इलेक्ट्रिक टेप होती है उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, और टेप लगाने के बाद फ्रेंड फटाफट इसके जो बैक साइड है उसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। और बंद करने के बाद चलिए फ्रेंड्स इसको फटाफट एक बार चेक करते हैं। देखिए तो अभी फ्रेंड ये देखिए मैंने इस पर कॉर्ड लगा दी है और ऑन मैंने यहाँ कर दिया, तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग वाली लाइट तो यहाँ जल गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो नंबरिंग नहीं आई। तो ऑन कर देता हूँ बटन, और देखिए फ्रेंड यहाँ पर बिल्कुल ओके हो गया है, तो यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरी पावर कॉर्ड में थी। तो फ्रेंड्स इसकी जो पावर कॉर्ड थी उसको भी आप संभाल के रखिए, उसमें ही प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से कांटा आपका बंद हो सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।